पलेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बन्ने बुजुर्ग गांव में पलेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरा मामला पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बन्ने बुजुर्ग का है, जहां पुलिस को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बन्ने बुजुर्ग ग्राम में अवैध रूप से हथियार बनने का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही पलेरा पुलिस को हथियार निर्माण फैक्ट्री की जानकारी लगी, तुरंत थाना निरीक्षक मुकेश साकेत अपनी टीम के साथ बन्ने बुजुर्ग गाँव पहुंचकर अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री पर छापा मार कर आरोपी सहित सभी मात्रा में अवैध हथियार की सामग्री जब्त कर ली गई है। टीकमगढ़ सुबोध पाठक की रिपोर्ट। दिनांक 20/1/22 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पलेरा अंतर्गत ग्राम बनने में देवेंद्र कुशवाहा नाम का व्यक्ति अपने घर पर अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री को संचालित कर रहा है। जो मुखबिर की सूचना के अनुसार उसके घर पर जाकर रेड कार्रवाई की तो देवेंद्र कुशवाहा अपने घर पर मिला, जिसके घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी लेने पर उसके घर में एक देसी कट्टा 315 बोर का, एक जिंदा कारतूस और अवैध हथियार बनाने की सामग्री थुकनी, रिंच, पेचेस, पेचकस, हथौड़ा आदि बरामद हुई। जो उक्त आरोपी को अवैध हथियार बनाने के संबंध में गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया। ये करीब दो महीने से ये कार्रवाई अपने घर पर ही कर रहा था, करीब दो महीने से ये काम अपने घर पर कर रहा था। पूछताछ में क्या बताया सर, इससे पहले कहीं और बेचे हैं, कितने बेचे हैं, क्या बताया था? पूछताछ में अभी इसके द्वारा सिर्फ बनाना ही बताया गया था, ये आरोपी बेचने की फिराक में था, परंतु उसको पहले ही पुलिस द्वारा दबोचा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।